बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रोलियर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर दी है बड़ी कार्रवाई और अपने कार्यकर्ताओं की आवाज सुनते हुए एक प्रभारी को, बड़े नेता को, मंत्री रहे नेता को उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। आरोप लगा था कि पैसे की धांधली कर रहे हैं, युवाओं के साथ, युवा कार्यकर्ताओं के साथ ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा। पैसों की धांधली कर रहे हैं, बिना वजह पैसे ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से लूट रहे हैं, ऐसा आरोप लगने के बाद अब पार्टी की तरफ से एक बड़े प्रभारी को, जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी की शासनकाल के अंदर मंत्री भी रहा था, उसको निष्कासित कर दिया है। और आपको बता दें कि पूरी खबर बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के उड़ीसा, झारखंड, गुजरात जैसे राज्यों का प्रभारी रहे और वर्तमान में बिहार जैसे बड़े राज्य के प्रभारी छुट्टू राम है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ है उनमें कहा गया है कि छुट्टन राम ने पार्टी के नेताओं के साथ गद्दारी की है, कार्यकर्ताओं से पैसे लूटे हैं, अनुशासनहीनता की है, पैसों की धांधलेबाजी की है, इस वजह से उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। उधर आपको बता दें कि छुट्टू राम ने भी प्रेस नोट जारी करके कहा है कि मुझे पार्टी से नहीं निकाला गया है, बल्कि मैंने पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी केवल उत्तर प्रदेश में रहती है, इस वजह से बाकी राज्यों के अंदर पार्टी का जनाधार घट गया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से आपको बता दें कि बहन जी की सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके, राज्य मंत्री का दर्जा था उनके पास, और आपको बता दें कि अवैध रूप से धन वसूली और अनुशासनहीनता के आरोप में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती जी हमेशा अनुशासन के मामले में सबसे कठोर नेता मानी जाती रही, इससे बड़े से बड़े नेताओं को भी उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया या बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये बिहार के जो प्रभारी थे छुट्टू राम, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मिलेंगे नए वीडियो, नए अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की खबरें